हाँ तो हमारा ये क्वेश्चन था अ फूड वेंडिंग मशीन विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज क्वान्टिटी इज मोर देन रुपीज हंड्रेड अदरवाइज देर इज नो डिस्काउंट तो कह रहे हैं कि एक फूड वेंडिंग मशीन है फूड वेंडिंग मशीन आपको पता होगा नहीं पता तो मैं दिखा दूँ एक बार फूड वेंडिंग मशीन कुछ इस तरह दिखता है आपकी ठीक है आप लोग मेट्रो वगैरह पे गए गय होंगे तो देखा होगा आपने तो ये ये इमेज तो इस रास्ते आ जाता है वो ठीक है तो इस हिसाब से आप इसे को हम फूड वेंडिंग मशीन कहते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, कि है वो टेन परसेंट नेटवर्क इशू है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा है ना हम लोग क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है नेटवर्क इशू थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी तरफ सभी को आ रही है ना किसी और को है जिसको नहीं आ रही आवाज मेरी सर मैं अभी कुछ करना नहीं सुनना है सिर्फ ओके okay. और भी जब भी किसी कोई डाउट होगा तो मैं उसको टाइम दूंगा बाकी आप बीच में अपने रेज हैंड कर सकते हो ठीक है तो मैं फ़िलहाल के लिए म्यूट कर रहा हूँ सभी को हाँ तो हम देख रहे थे कि फूड वेंडिंग मशीन है वो टेन परसेंट डिस्काउंट दे रहा था कब जब टोटल कॉस्ट जो होगा क्वांटिटी का वो मोर देन हंड्रेड होगा टोटल कॉस्ट ध्यान दीजिएगा टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे एक सामान लेते हो दो सामान लेते हो तीन सामान लेते हो तो टोटल जो कॉस्ट होना चाहिए वो सौ सौ रुपये का जो है ज़्यादा होना चाहिए वरना कोई डिस्काउंट नहीं है हर कॉस्ट एक आइटम का कॉस्ट क्या है रुपीज टेन तो कह रहे हैं मतलब वेंडिंग मशीन जो हमने देखी ये वेंडिंग मशीन में जो भी जो भी चीज़ें देख रहे हो आप सिमिलर हैं काइंड तो ये दस रुपये के हैं सभी कुछ सभी जो है आइटम दस रुपये के हैं ठीक तो कह रहा है कि वो जो मशीन है टेन परसेंट डिस्काउंट देगा लेकिन कब तब जब क्वांटिटी जो है आपकी टोटल कॉस्ट क्वांटिटी जो भी है वो रुपीज़ हंड्रेड से ज़्यादा है ठीक तो अगर आप मैथमेटिक्स करो तो एक टेन रुपीज़ का है तो हंड्रेड रुपीज़ के लिए कितने आइटम होंगे टेन होंगे ठीक है बिकॉज टेन इंटू टेन इज हंड्रेड तो हम लोग को क्या करना है एक प्रोग्राम लिखना है और यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद उनको हमको आउटपुट देना है कि उसके कितने पैसे हुए ठीक है तो सिंपल है जैसे लाइक मान लीजिए एक सामान लिया मैंने दस रुपये का है तो सिंपल दस रुपये दूंगा दो सामान लिया तो बीस रुपये दूंगा दस सामान लिया तो सौ रुपये दूंगा लेकिन अगर मैंने दस के ऊपर ग्यारह सामान लिया एलेवन आइटम्स आई परचेज तो क्या हो जाएगा वन हंड्रेड टेन तो वहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी वो इसकी कंडीशन आ जाएगी विच विच इज़ अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो टेन परसेंट डिस्काउंट कब लगेगा जब मैं दस से ज़्यादा सामान लूँगा दस सामान तक लूँगा तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला तो उसका हम लॉजिक यहाँ पे देख रहे थे तो सभी लोग का जो भी सबमिशन था ठीक है बहुत अच्छा था एक्यूरेट था कुछ गलतियां थी जो मैंने बता दी थी जो लोग नहीं कर पाए उसको समझें इस चीज़ को और फिर देखते हैं इसको चलिए तो देखिए फर्स्ट लाइन है मैंने और ये भी है थोड़ा छोटा सा ये ऐड कर लीजिए जिनको नहीं पता है, हैश लगाने से क्या होता है कि वो स्टेटमेंट बन जाता है यानी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता कौन हैश वाली चीज़ तो इसलिए इसका जो मतलब कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे वो मतलब है तो हम अभी तक मार्क मार्क ये टेक्स्ट कर रहे थे ना यूज़ तो जैसे ये आप देख रहे हो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये जो तो देख रहे हो आप कोड बॉक्स है बट इस कोड बॉक्स के अंदर भी मैंने क्या किया है एक टेक्स्ट लिख लिख दिया है हैश लेकिन हैश लगाना पड़ेगा उसके लिए तो प्रोग्राम के अंदर भी लिख सकते हो आप उससे क्या होता है आइडिया लग जाता है कि क्या है तो मैंने यहाँ पे जो भी यूज़ किया है छोटा सा कोड है हमारे इतने लाइन का विच इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन का हमारा कोड है सिंपल सिक्स लाइन का हमारा सोल्यूशन था तो क्यू इज़ अ क्वान्टिटी ठीक टी पी इज़ अ टोटल प्राइज और वी डिस्काउंट अभी हम आगे देखेंगे तो हमने क्या किया क्यू क्यू क्या है क्वान्टिटी के अंदर हमने इनपुट लिया ठीक इनपुट ऐसे लेते हैं इंट इंटीजर एंड इनपुट क्योंकि इनपुट ले रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा हम क्या इनपुट ले, ले रहे हैं इंटीजर ले, ले रहे हैं कि स्ट्रिंग ले रहे हैं यानी अल्फाबेट ले रहे हैं कि नंबर्स ले रहे हैं तो हमें नंबर लेना है तो मैंने लिख दिया कुछ इस तरह का मैसेज कि हाय एवरी आइटम इज प्राइज एट रुपीज टेन सभी कुछ दस रुपये का है एंड प्लीज एंटर द क्वान्टिटी यू वॉन्ट टू बाय तो क्वांटिटी बताइए आपको कितना चाहिए ठीक है लाइक एक चाहिए दो चाहिए तीन चाहिए कितना चाहिए तो ये पूछा हमसे उसके बाद हमने एक टी लिया टी क्या है टोटल प्राइस तो टोटल प्राइस क्या होगा क्यू इन टू ठीक है सिंपल एक मैथमेटिक्स है लाइक एक अगर चॉकलेट दस रुपये का है तो दस चॉकलेट सौ रुपये के पाँच चॉकलेट पचास रुपये के तो जितने भी चॉकलेट होंगे जो भी क्वांटिटी आप लोगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे से टेन से जो कि है दस रुपए का एक चॉकलेट तो आ जाएगा टोटल प्राइस सिंपल है यहां पे ठीक किसी को डाउट हो तो अपने साइन लैंग्वेज से पूछ सकता है रेज हैंड कर सकता है अपना ठीक तो यहां पर ये हुआ आपका टीपी टू क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू टेन तो क्यू इंटू टेन मतलब जो भी आप लोग इंटू टेन इफ टी पी टी पी टोटल प्राइस जो आपका भी निकाला आपने अगर वो टी पी सौ से बड़ा है इज़ ग्रेटर देन हंड्रेड तो क्या करना है तो ये इंटेक्स हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में इफ़ के बाद हम ये लिखते हैं कंडीशन फिर कोलन लगाते हैं फिर हम एंटर दबाते तो अपने आप ये गैप हो जाता है देन हम प्रिंट लगाते हैं प्रिंट के अंदर जो भी हमको लिखना चाहे लिख सकते हैं तो हमने क्या किया कि इफ़ टी पी इज़ ग्रेटर देन हंड्रेड मतलब कि दस से ज़्यादा आइटम किसी ने खरीदा तो तभी तो होगा ना हंड्रेड से ज़्यादा क्योंकि टेन इंटू टेन इज हंड्रेड तो इलेवन जब होगा तभी वो सौ से ज़्यादा होगा तो यानी टेन तक नहीं होगा तो लेकिन जब ज़्यादा होगा हंड्रेड से तो क्या प्रिंट करना है यू हैव टू पे इतना ये क्या है इसको लॉजिक को समझिएगा बहुत जरूरी है यहाँ पे तो यू हैव टू पे तो स्ट्रिंग हो गया यानी आप जो लिखोगे वो लिख देगा यहाँ लॉजिक नहीं है मेन यहाँ पर ही है जो वेरिएबल है तो इसमें जो लिखा तरीका है ये आप बदल सकते हो लाइक आपने ऐसा लिखा आप कुछ और भी लिख सकते थे यहाँ पे क्या लिख सकते थे पॉइंट वन को आप लिख सकते हो टेन बाय हंड्रेड ओके तो एक ये भी आपका तरीका है तो इसको लिखना ऐसे लिख देना चाहिए ब्रैकेट ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो हम क्या कहने वाले हैं कि डिस्काउंट ले रहे हैं डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि जैसे आ, कुछ छूट मिल जानी लाइक सौ रुपये का कुछ सामान लिया तो किसी ने कहा दस रुपये की छूट मिल गई नाइन्टी दिया आपने उसी को डिस्काउंट बोलते हैं तो यहाँ परसेंटेज की बात कीजिए तो परसेंटेज क्या होता है आपका एक तरह का जितना भी परसेंट होगा वो डिवाइड बाई हंड्रेड हो जाएगा टेन परसेंट मतलब टेन बाई हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट मतलब ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो टेन अपॉन हंड्रेड को पॉइंट वन भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल ठीक तो फिलहाल हमने बहुत सिंपल लिया है टेन परसेंट बाकी जब आप और परसेंटेज टफ़ जो होते हैं लाइक ट्वेंटी थ्री परसेंट फोर्टी फोर्टी सेवन परसेंट ये सब चीज़ें इतनी जल्दी से नहीं आप कैलकुलेट कर पाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ठीक है आप डायरेक्टली फोर्टी सेवन बाई हंड्रेड यहाँ लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा है टेन बाई हंड्रेड तो आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है तो जो भी मैं परसेंट बोल रहा हूँ तो आप पॉइंट में मत समझिए है ना सिंपल आप क्या समझिए उसे जो भी मैं परसेंट दूं डेट डिवाइडेड बाई हंड्रेड उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं तो हमने क्या किया टेन परसेंट टोटल प्राइस जो भी था तो हम यहां पे केस ले लेते हैं एक ट्वेंटी का ले लेते हैं केस और फिर रन करते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है तो मैं इसको रन कर रहा हूं यहां से रन हो रहा है थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टिंग में ठीक तो ये यह देखिए यहाँ पर आया हाय एवरी आइटम इज़ प्राइस रुपीज़ टेन प्लीज़ एंटर द क्वांटिटी यू वांट टू बाय यही चीज़ पहली लाइन है जो हमने लिखा तो इंट इनपुट के अंदर जो भी लिखते हैं वो लिख के आता है उसके बाद रुकता है वो तो इनपुट का क्या डिफरेंस था कि वो रुक जाता है आपके लिए रुक गया है तो मैंने लिखा यहां पे 20, 20 है यहाँ पर ट्वेंटी ट्वेंटी आइटम्स ठीक है सभी लोग मुझे प्राइवेटली चैट पर बताइए ट्वेंटी एक आइटम टेन रुपीज़ का तो ट्वेंटी आइटम्स कितने के होंगे चैट बॉक्स प्राइवेटली बताइए का आंसर ठीक है वन आइटम टेन रुपीज़ का ट्वेंटी आइटम्स कितने रुपीज़ के ओके okay. अर्नब आपका आंसर क्या है ठीक से लिखिए वन आइटम टेन रुपीज देन ट्वेंटी आइटम्स बाकी सबका ठीक है अगम आपको आ, अगम तो ज्वाइन कर रहे हैं शायद अगम आवाज़ आ रही है आपको ठीक है चलिए तो अगम ये पूछ रहा था मैं कि वन ओके वन आइटम ट्वेंटी सॉरी वन आइटम टेन देन ट्वेंटी आइटम्स कितने रुपीज के होंगे मैथमेटिक्स सिंपल अर्नब आप फिर ट्राई कीजिए आपका आंसर गलत है वन आइटम टेन रुपीज़ देन ट्वेंटी आइटम्स कितने रुपीज़ अरनब एंड अगम आई वॉन्ट आंसर्स ग्रेट अनन प्राइवेटली चैट कीजिए है ना एवरीवन नहीं ताकि आपका आंसर कोई और ना देख पाए ठीक है सबका आंसर अब सही है तो हमने ये सिंपल था तो ये तब था जब कोई डिस्काउंट नहीं था तब लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि टेन परसेंट डिस्काउंट भी है टेन परसेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है टेन परसेंट डिस्काउंट का मतलब जितना आपने पे किया उसमें से क्या माइनस कर देना है हमको टेन बाई हंड्रेड ठीक है टेन बाई हंड्रेड टाइम्स मतलब जो भी है तो आप अगर टेन बाई हंड्रेड जो आपका आंसर आया विच इज टू हंड्रेड इसको अगर मल्टीप्लाई करो इतने पार्ट को तो उसका आंसर क्या आएगा ट्वेंटी ओके क्या आप कर सकते हो अपने पास ठीक तो टेन बाई हंड्रेड इंटू योर टू हंड्रेड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ट्वेंटी और जो टोटल प्राइस आइट जो टू हंड्रेड है उसको माइनस कर देंगे mm. तो टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी विच इज़ वन एटी तो ये आपका परसेंटेज का लॉजिक है डिस्काउंट है डिस्काउंट जब आप चाहिए तो ये लॉजिक है उसका तो जो भी परसेंट होगा आप क्या कर दोगे न्यूमिरेटर जो ऊपर है ठीक लाइक इसे न्यूमरेटर कहते हैं इसे डिनोमिनेटर तो आप न्यूमरेटर पर वो चीज़ लिख दो हंड्रेड तो हमेशा रहता है तो न्यूमरेटर में जो भी परसेंटेज मैं बोलूँ आपको दिमाग नहीं लगाना आपको सीधा यहाँ पे वो नंबर लिख देना लाइक मैं फाइव परसेंट बोलूँ मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट जो भी है ठीक तो इसका आंसर चलिए देखते हैं कौन बताता है सिक्सटी परसेंट की बात करें तो क्या होगा डिस्काउंट अगर सिक्सटी परसेंट ट्वेंटी आइटम्स ही हैं ट्वेंटी आइटम्स और सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट है तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सिक्सटी कर देना है जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए privately. तो मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख दिया है चैट बॉक्स पर आप देख सकते हो ट्वेंटी आइटम्स थे रुपीज़ टेन रुपीज़ के सभी तो टू हंड्रेड हो गया आपका तो सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे कितना पे करना है ठीक सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट पर मुझे कितना पे करना है सिंपल यहाँ पे क्या करना है टीपी जो भी टू हंड्रेड है और टेन की जगह आपको क्या लिख देना है सिक्सटी और उसके बाद कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आया ठीक है सभी लोग के आंसर बहुत ही अलग अलग हैं कुछ लोग ये बार गलती करने के बाद ठीक कर रहे हैं चलिए फाइनल आंसर आप सभी लोग फाइनल आंसर लिखिए अपना ठीक है आई एम वेटिंग अगम आसमा आनंद रिस्पॉन्सिस ठीक है अगम अगम आंसर इज करेक्ट अदिति आंसर इज करेक्ट मृदुल आप ट्राई कीजिए कुछ गलत है तो अगम और अदिति आप लोग अभी तक दो ही लोग के आंसर सही हैं आसमा करेक्ट मृदुल करेक्ट अर्नब ये सादिति प्लीज़ आस्क कुछ पूछना है? ये सर मैं ये पूछ रही थी सर कि वो जो परसेंटेज के लिए इसमें कुछ सिंटेक्स होता है क्या अलग से नहीं नहीं कोई परसेंटेज का सिंटेक्स नहीं है आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा जो लिखा हुआ है ना 10 100 वाला। तो। तो बताइए क्या सर जब मैं बना रही थी तब इसमें इस परसेंटेज का साइन नहीं ले रहा था नहीं परसेंटेज का साइन लेता ही नहीं है मैं तो बोल रहा हूँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय हंड्रेड वाला लॉजिक और किसी का डाउट है अनंत आई थिंक लीव हो गए शायद आवाज़ नहीं आ रही खैर कोई नहीं चलिए सभी का आंसर अब सही है तो सभी लोग समझ चुके हैं गलतियां जो उन्होंने की चलिए तो यही हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है तो सिंपल मैंने जब ट्वेंटी लिखा देखिए यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखिए यू हैव टू पे रुपीज़ वन एट्टी मतलब कि डिस्काउंट हो चुका है उसने किसने कैलकुलेट किया वो प्रोग्राम ने आपके इस वाले लॉजिक ने तो आप जो दिमाग लगा रहे हैं उसका आप काम प्रोग्राम पे छोड़ दोगे तो एक बार आपको दिमाग लगा के लिखना है फिर छोड़ देना है सब आपका काम कौन करेगा पाइथन प्रोग्राम आपका छोटा सा ये लाइन का कोड आपका सारा काम कर देगा तो कोई भी जैसा मशीन ही है मशीन में यही लॉजिक इस तरह का है होता है वो अपने आप करता है आखिर वहां पे कोई लगा तो है नहीं कोई ह्यूमन तो है नहीं मशीन करती है तो मशीन को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं ठीक इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कोड तो इंस्ट्रक्शंस क्या है कोड क्या है मतलब कोड क्या एक इंस्ट्रक्शंस ही है जो हम देते हैं मशीन को एक बार सिखा देते हैं वो सीख जाता है और उसके बाद वो करता रहता है लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा वो ठीक यानी उसको अगर आप क्वांटिटी बोलोगे और उसके बाद आप ये बोलोगे अब उसको अब अगर बदलना है लाइक अभी हम हम लोग का एक दस, दस रुपए का है ना एक आइटम वो बदलना है तो आपको बार बार बदलना पड़ेगा तो ये तब के लिए प्रोग्राम है जब हर आइटम टेन रुपीज का हो और कंडीशन ये है कि टेन परसेंट डिस्काउंट तब मिले जब हंड्रेड रुपीज़ के ऊपर का सामान आप खरीदो ठीक तो ये ये वेरी करता है तो ये सबसे सिंपल लॉजिक है अब जो आपके अंदर वाई आ रहा है क्यों और और चीज़ें ये जब धीरे आप जब और बड़े होंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को फिलहाल के लिए इतना जरूरी है समझना कि ये क्या चल रहा है ठीक है क्यों हम ये कर रहे हैं ये वाली चीज़ तो अब समझ में आ गया सभी को किसी कोई दिक्कत हो हैंड रेस कर सकता है ठीक है बाकी सबका आंसर वैसे सही था तो मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोग को समझ में आ रही चीज़ें देखिए बहुत अच्छी बात है ठीक तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये यह किया तो ये वेरिएबल लिया यहाँ पे नीचे मैंने सेम वही किया था बट अब वेरिएबल नहीं लिया था मैंने यानी वेरिएबल जो टी वाली चीज़ थी ना टी उसको मैंने यहाँ पर नहीं रखा था तो वो भी कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए बट ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है ठीक है लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने सिंपल क्या किया कि जो q इंटू टेन है उसको मैंने जो टी में रखा था टी पी में वेरिएबल में अब उसको मैंने यहाँ पे नीचे वाले प्रोग्राम में नहीं रखा उसको तो मैंने टी की जगह हर जगह q इन टेन कर दिया ठीक तो हमारा वेरिएबल एक कम हो गया यहाँ पे ठीक है लॉजिक वही है तो ये अप्रोच अच्छा नहीं है जो मैं नीचे बता रहा हूँ ठीक है अप्रोच अच्छा यही है ताकि सबको समझ में आ स सक, आ, सक, आ सके ठीक है तो टी हमने वेरिएबल यूज़ किया ताकि हमें बार बार क्यू इंटू टेन यहाँ ना लिखना पड़े टीपी की जगह बार बार इसलिए हमने टी बना लिया जब भी इसलिए कोई लंबा कैलकुलेशन हो लाइक और मालिज यहाँ कुछ होता लाइक क्यू पार हो जाती फिर रूट भी होता और भी कई चीज़ें हो सकती थी तो इसलिए वहाँ पे हमें वेरिएबल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता तो वेरिएबल लेने का फायदा ये है कि आपको बार बार वो जो q इंटू टेन है जो भी एक्सप्रेशन आपको लिखना नहीं पड़ेगा ठीक सिर्फ tp लिख दोगे आप हर जगह काम चल जाएगा क्योंकि हमें कई बार लिखना टाइम्स like हमें लिखना पड़ा ठीक तो इफ़ था जब हंड्रेड से रुपीज से ज्यादा सामान होगा तो ये प्रिंट होना था और जब हंड्रेड रुपीज से ज्यादा नहीं होगा नॉर्मल है लाइक दस सामान हो या दस से कम हो लाइक टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन तक हो तो क्या बोलेगा सिंपल टीपी और टीपी क्या है सिंपल जैसा आपने बताया अभी ट्वेंटी इंटू टेन टू हंड्रेड था होगा तो जो भी टेन दस या दस से कम सामान जब लेगा कोई तो उसकी आंसर क्या आएगा सिंपल इंटू टेन आएगा वही आंसर आपको प्रिंट कर देगा ठीक है ये भी दिखाता हूँ मैं तो मैंने रन किया मैंने यहाँ पे इस बार नाइन रखा देखिए तो यू हैव टू पे नाइन्टी क्यों नाइन्टी बिकॉज नाइन इंटू टेन इज नाइन्टी सिंपल तो ये लॉजिक था हमारा इस असाइनमेंट का तो जो जिन जिनको समझ में अब आ चुका है और जो नहीं कर पाया था सबमिट अब उसे सबमिट कर दें ठीक तो ये हमारा पाइथन खत्म हो चुका है ठीक फिर भी अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है आई एल बी हैप्पी टू हेल्प चलिए अब हम सब चलते हैं स्क्रैच पर ओके और हाँ शेयर का मैं बता दूं एक बार कई लोग शेयर में दिक्कत कर रहे थे ठीक यहाँ पे शेयर ऑप्शन है ठीक है तो यहाँ शेयर में जाएंगे जैसे हम शेयर में जाते हैं तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है रेस्ट्रिक्ट होती है यहाँ पे देख रहे हो आप तो आप सब सही कर रहे थे बट यहाँ रेस्ट्रिक्ट था ना इस वजह से अगला ओपन नहीं कर पाएगा ठीक उसको परमिशन चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे इसलिए हम रिस्ट्रिक्टेड को हटाकर कर एनी वन विद द लिंक पहले कर लेंगे ठीक और उसके बाद हम कॉपी लिंक का ऑप्शन जो है यहाँ पर देंगे ठीक तो व्यूअर है आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूअर भी है तो व्यूअर अगर जैसे वो होता है जो सिर्फ देख सके चेंज ना कर सके ठीक है तो व्यूअर यहाँ पे सही रहता है एडिटर कर दोगे तो मैं चेंज कर सकता हूँ जो आप ले हो तो वो अच्छी बात नहीं होगी तब तो अच्छी बात होगी जब आप मेरे साथ काम करो लाइक मतलब टीम वर्क कर रहे हैं तो हम एडिट की चीजें करते हैं वरना व्यूअर करते हैं व्यूअर मतलब सिर्फ देख सकता है चेंज नहीं कर सकता ठीक तो ये अप्रोच होगा एनी वन विदिंग व्यू देन व्यूअर और फिर एक लिंक कॉपी करके आप शेयर कर दीजिए सिंपल डन ठीक तो ये हमारा था ओके आई एल वेट थैंक्स